हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, न्यू रेसिपी आज आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त समर स्पेशल और इतनी टेस्टी लगती है और इतनी हेल्दी होती है। तो ये मैं आज बनाने वाली हूँ देसी तोरी की सब्ज़ी। हम इसे देसी तोरी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ये भी बताना। और इतनी टेस्टी बनती है ना, और ये बहुत कम मिलती है। मतलब ऐसे रेगुलर जो तोरी मिलती है ना, उस हिसाब से नहीं मिलती, कम ही मिलती है मार्केट में। तो जब भी आपको मिले एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बनती है। और एक स्पेशल तरीके से इसके ऊपर जो ये मोटी मोटी लाइंस रहती है ना, थोड़ा सा थिक इसका जो है कवर रहता है, उसको हम इस तरीके से अच्छे से निकाल लेंगे। और पूरी जो लेयर है इसकी निकालनी है हमें, क्योंकि अगर लेयर रह जाएगी ना तो खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत से बनाएं। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसको पील कर लेना है। सारी तोरी को मैंने अच्छे तरीके से पील कर लिया और फिर इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया। अब लिया मैंने एक कुकर में थोड़ा सा तेल और इसमें डाला जीरा और प्याज। इसे आप कुकर में ही बनाए, और इसे हम एक स्पेशल चीज़ के साथ बनाएंगे जिससे इसका टेस्ट जो है ना वो डेवलप होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बचपन से हम इसी टाइप से इसको बनाते हुए आए हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। ऐसे बोलते हैं ना कि बचपन का जो टेस्ट है वो अगर टंग पे रहता है तो कभी भी नहीं भूला जा सकता। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, जीरा, अच्छी तरीके से हम इसको सारे को भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम इसमें ये 2 चम्मच राइस, बिल्कुल छोटे, मतलब चम्मच जो होती है ना वो, अच्छे से धो के भिगो के रखा था मैंने, उसको डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसको भून देंगे। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे रेसिपी कि यार सब्जी में कभी राइस डलता है, बट हाँ इस तोरी के साथ बहुत लोग ब्लैक वाला जो चना होता है ना, काला चना, वो डालते हैं, बहुत लोग राइस डालते हैं। तो हम लोग हमेशा ये राइस डाल के ही बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ट्राई करना, आप फिर बताना कि कैसी लगी। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले, जैसे धनिया पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची और साथ में नमक। बस इससे ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल भी नहीं जाते, बिल्कुल सिंपल सी बनती है, लेकिन स्वादिष्ट इतनी बनती है कि गर्मियों में ना आपको मन करेगा कि इसे आप बिना सब्जी के, उसके रोटी के ही, सॉरी, कटोरी भर भर के खाएं, बहुत अच्छा लगता है ये। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं, सब्जी है, राइस है, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर इसमें डाल देंगे पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये अपना खुद से जो वाटर है ना वो भी रिलीज़ करती है सब्जी। तो आधा कटोरी बस मैंने इसमें पानी डाला और अब इसकी लीड कर दूंगी मैं बंद। और इसमें हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगानी है हमें, बस हाई फ्लेम पे रख के 2 सीटी लगा लेंगे और इतनी शानदार हमारी जो सब्जी है वो बन के तैयार हो गई। ये देखिए, आधा कटोरी पानी डाला था और उससे देखिए कितना, मतलब ये एकदम से पूरा ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहें, बिल्कुल सिंपल रखना चाहें तो नहीं डालें। मैंने गरम मसाला नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सर्व किया और झटपट से तैयार है हमारी देसी तोरी की सब्जी, एक नए इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट। गर्मा गर्म इसे हम रोटी के साथ सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो बताना कि कैसी लगी, और कौन कौन इस तरीके से बनाता है पहले से वो भी मुझे शेयर ज़रूर करना। बाय।